Okay. Today we will know about pronoun words in grammar station. Page number 103. बेटा स्क्रीन पे सबको बुक दिख रही है? यस मैम, 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 मुझे नहीं दिख रही। अरे किसको नहीं दिख रही है? आनंदर को नहीं दिख रही है? आनंदर के यहाँ पे नेटवर्क नहीं दिख रहा। सब लोग माइक ऑफ। मैम बुक नहीं दिख रही। किसको बुक नहीं दिख रही है बेटा? जिसको बुक दिख रही है अपना हैंड शो करेंगे। जिसको बुक दिख रही है? शुभांगी को दिख रही है, कंचन को दिख रही है, वेदांत को दिख रही है, स्वाति को बुक दिख रही है, अनुष्का को बुक दिख रही है, साक्षी को बुक दिख रही है, नन्या को बुक दिख रही है। ओके, जिसको बुक नहीं दिख रही है मैम मुझे भी। ओके चलिए हम शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, चलिए इसको रीड करिए। यहाँ पे जो कनेक्शन है गीता के बारे में, उसका बेटा माइक ऑन करके रीड करिए। यस मैम। डू यू नो अरुण? यस, ही इज इन माय क्लास। Okay, I meet him at the park today. We are going to cycle together every day. Cycle together every day. Wonderful. Can I also join you? ओके बेटा स्टॉप। मतलब माइक कोई नहीं ऑन करे, किसी के माइक में प्रॉब्लम है, आवाज डबल जाती है। जैसे माइक किसी को नहीं ऑन करना, जिससे हम कहेंगे वही माइक ऑन करके रीड करेगा, ठीक है? बाकी कोई माइक नहीं ऑन करेगा। ओके, हमें लोगों को रीड करना, प्रोनाउंस के बारे में जानना है। अब चलिए बताते हैं, बताइए आप लोग प्रोनाउंस का डिफिनेशन क्या है। वेदांत चलिए आप बताइए माइक ऑन करके प्रोनाउन का डिफिनेशन। माइक ऑन करिए वेदांत, चलिए बताइए प्रोनाउन का डिफिनेशन। प्रोनाउन नहीं पता? बोलिए बोलिए। आप लोग ग्रामर जंक्शन में समझाया भी गया था प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या है। नो बेटा, कोई नहीं बीच में। चलिए अमन पासवान आप बताइए। अमन पासवान ऑन द माइक। डिफिनेशन ऑफ नाउन, सॉरी प्रोनाउन। पहले मोबाइल सही से रखो आप। अमन मोबाइल सही से रखो, सीधा नहीं बैठे हो आप। सिस्ट्री एंड श्रियांक, व्हाट आर यू डूइंग? अंशु पासवान, यू टेल। अंशु, डिफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। मैम मैं टेल। इस अनुष्का को बेटा आप ही बताइए। The pronoun I, he, she, it, you, we, and they are used. Definition of pronoun का definition क्या है? मैम बताएं। मैम बताएं। तो आप नन्हे आप बताएं। आप बहुत बोलते हो। मैम
बोले बेटा जैसे नाउन है, नाउन इज अ पर्सन प्लेस एनिमल्स और थिंग, जैसे प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या होगा? मैम बताएं। नाउन आई ही बोली बोली सी इट यू मैम मैम आर यूज्ड इन द नेमिंग पार्ट ऑफ प्रोनाउन। आप बेटा नेमिंग पार्ट का प्रोनाउन का बता रहे हो, आपको हम पूछ रहे हैं कि प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या होगा, प्रोनाउन किसे कहते हैं? मैम हम बताएं। सब मैम किसे कहते हैं? नो बेटा नन्या बहुत मैम हम बताएं। नहीं चलिए आप तैयार अंदर था बेटा, आपके पीडीएफ में ही दिख रहा है, बुक में ही दिख रहा है नीचे, कितना इजी है, फिर भी देख के नहीं बता पा रहे हो। मैम बताएं। चलिए बताइए रमा तिवारी, रमा तिवारी बताएंगी, रमा तिवारी। Mam, words that are used in place of nouns are called pronouns. Okay, चलिए आप बताइए नन्या। Mam, words that are used in place of noun are called pronoun. The pronoun I, he, she, it, you, we, and they are used in naming part of a sentence. Aradhya, you tell. Aradhya, और आप बताइए। Word that are used to place of noun are called pronoun. The pronoun I, he, she, it, you, we, and they are used in the naming part of sentence. Okay, words that are used in place of a noun are called pronoun. ऐसे words जो कि noun के place पे use किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे words को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, मीन्स सर्वनाम। वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउंस। अच्छा बताइए नाउन का डेफिनेशन क्या होगा, नाउन का? शुभांगी। यस नाउन इज अ पर्सन प्लेस एंड थिंग्स। अ नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और एनिमल थिंग्स। चलिए बताइए अनुष्का डिफिनेशन ऑफ नाउन। आदित्य यादव यू टेल डिफिनेशन ऑफ नाउन। Noun is a person, place of object. A noun is the name of any person, place, animal or thing. चलिए आप बताइए वेदांत। Ma'am, a noun is the name of place, person, place, animal or things. सृष्टि बेटा क्या कर रहे हो? सृष्टि चलिए माइक ऑन करिए, आप बताइए। मैम बोलिए। मैम बातें बहुत ज्यादा करते हो। श्रियांक यू टेल definition of noun and pronoun। अब साइलेंट हो गए बिल्कुल, अभी बातें कर रहे थे तुम दोनों लोग। चलिए आगे देखते हैं। सुधीर डू यू नो अरुण? सुधीर जो है गीता से कहता है डू यू नो अरुण, क्या तुम अरुण को जानती हो? गीता यस ही इज इन माई क्लास, वह मेरी क्लास में है, ही इज इन माई क्लास। सुधीर ओके, आई मेट हिम एट द पार्क टूडे, मैं उससे आज पार्क में मिला। सुधीर जो कह रहा है गीता से, मैं उससे आज पार्क में मिला। वी आर गोइंग टू साइकिल टूगेदर एवरी डे, उससे कहता है हम दोनों साइकिल पर एक साथ जाते हैं, प्रत्येक दिन हम दोनों
साइकिल पर एक साथ जाते हैं. गीता वंडरफुल, बहुत ही अच्छा. कैन आई आल्सो ज्वाइन यू, क्या मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ. ओके सुधीर कहता है श्योर, वी विल गो टुगेदर, वी आल गो टुगेदर. यस हम सभी साथ में चलेंगे. ओके सुधीर कहता है गीता से हम सभी साथ में चलेंगे. आगे देखते हैं, सुधीर एंड गीता आर टॉकिंग अबाउट अरुण. यहाँ पे सुधीर एंड गीता जो है किसके बारे में बात कर रहे हैं, अरुण के बारे में बात कर रहे हैं. दे मेंटेन द नेम ओनली वंस, उन्होंने अरुण का नेम केवल एक बार दिया है. ओके देखिए यहाँ पे केवल अरुण का नेम एक बार आया है. एंड देन यूज वर्ड्स लाइक ही एंड हिम टू टॉक अबाउट अरुण. उसके बाद से उन्होंने अरुण के बारे में बात करने के लिए अरुण के प्लेस पे क्या कौन सा वर्ड यूज किया है, he and him word जो है अरुण के प्लेस पे यूज किया है. प्रोनाउन का यूज हम कहाँ पर करते हैं, नेमिंग वर्ड्स के प्लेस पे करते हैं, या फिर नेमिंग वर्ड्स होता है. जैसे अरुण जो है नाउन है, इसके प्लेस पे हम प्रोनाउन वर्ड्स का यूज करते हैं. तो इसलिए उन्होंने केवल अरुण का अरुण वर्ड एक ही बार यूज किया है, बाद में उन्होंने प्रोनाउन वर्ड यूज किया है. अरुण इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अरुण जो है पर्सन का नेम है, एक व्यक्ति का नेम है. इट इज अ नाउन, इसलिए एक नाउन है. बेटा कौन बातें कर रहा है, बात करना ना, माइक ऑन करके बातें किया करो, माइक ऑन करके नहीं. Therefore, it is a noun. यहाँ पे अरुण जो है एक नाउन है, क्योंकि पर्सन का नेम है. किसी पर्सन का नेम होता है, प्लेस का नेम होता है, थिंग्स का नेम होता है, किसी एनिमल्स का नेम होता है. तो वहाँ पे नाउन होता है, मीन्स संज्ञा उसे कहते हो आप हिंदी में. और इसके प्लेस पे हम जिस वर्ड का यूज करते हैं उसको कहते हैं प्रोनाउन. ओके अरुण इसके प्लेस पे ही और हिम वर्ड्स एड किया गया, जो कि एक प्रोनाउन वर्ड है. हर्षित बेटा समझ में आ रहा है? ऐसे वर्ड जो कि नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उस वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं, मीन सर्वनाम बोलते हैं. द प्रोनाउन्स आई ही सी इट यू बी एंड दे आर यूज इन द नेमिंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, नेमिंग पार्ट्स और टेलिंग पार्ट्स. तो नेमिंग पार्ट्स पे जिस प्रोनाउन का यूज होता है, कौन कौन सा प्रोनाउन होता है, आई होता है, ही सी इट यू वी एंड दे. ये जो है सेंटेंस के नेमिंग पार्ट्स में यूज करते हैं हम इस प्रोनाउन को. ठीक है, सेंटेंस का जो नेमिंग पार्ट्स होता है उसके प्लेस पे हम इस प्रोनाउन का यूज करते हैं. कौन कौन सा प्रोनाउन होता है, आई एम, आई, इट, यू, we and they are used in the naming part of sentences. You, we, they. Okay. Second, देखते हैं the pronouns me, him, her, it, them and us are used in the telling parts of sentences. अब जो sentence का telling parts होता है उसमें हम किस pronoun का use करते हैं, उसके वहाँ पे हम me, him, her, it, them and us pronoun का use करते हैं. कहां पर, नाउन के प्लेस पे, टेलिंग पार्ट में. ओके टेलिंग पार्ट में नाउन के प्लेस पे मी, हिम, हर, इट, देम, अस प्रोनाउन का यूज करते हैं. सभी को आ गया समझ में इतना? शुभांगी, नेमिंग पार्ट में हम कौन कौन से प्रोनाउन का यूज करते हैं? Yes, ma'am. I, he, she, it, you, he, and they. Okay, Adhya, you tell. बता बताइए. Sentence के telling part में हम किस pronoun का use करते हैं? Me, him, her, it, them, us. Okay.
अब यहाँ पे देखिए राइट भी किया गया है, आए है तो वहां पे मी का यूज करेंगे टेलिंग पार्ट में, ठीक है। आए का मी हो जाता है, ही का हिम, सी का हर, ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए आपने ड्रामा जंक्शन में रीड भी किया था अच्छे से। ओके चलिए यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ सेंटेंस, इसको हम रीड करेंगे। सर्कल द प्रोनाउंस इन द सेंटेंसेज, जो सेंटेंस यहाँ पे राइट है इसमें प्रोनाउन जो भी होगा आपको उसको सर्कल करना है, ध्यान से रीड करना फिर सर्कल करना प्रोनाउन वर्ड को। देखते हैं फिर क्या राइट है। माय ग्रैंडपा गेव अस अ बॉल, माय ग्रैंडपा गेव अस अ बॉल, मेरे ग्रैंडपा ने, ग्रैंडपा मींस क्या होता है, दादाजी, दादाजी को हम साठ में बोलते हैं ग्रैंडपा। तो हमारे ग्रैंडपा ने, हमारे दादाजी ने हमें क्या दिया, गेव अस अ बॉल, हमें एक बाल दिया, क्या दिया, बाल दिया, गेव मींस होता है दिया। ओके आवर कैट डोना फाउंड इट, हमारी कैट जो है डोना इसको पाई, मतलब बाल था उसको डोना को मिलता है बॉल। सी थिंक्स उसने सोचा, जो वहां पे डोना उसकी कैट है सोच रही है, क्या सोच रही है, द बॉल इज फॉर हर, वो बाल उसके लिए है, जो बॉल मेरे ग्रैंडपा ने हमारे लिए लाया था उस बॉल को जो डोना कैट है वह पाती है, वह सोच रही है वह बाल उसके लिए है। ही टोल्ड हर, सॉरी आई टोल्ड हर, मैंने उससे कहा, क्या कहा, डोना दैट इज नॉट फॉर यू, यह बाल तुम्हारे लिए नहीं है, डोना दैट इज नॉट फॉर यू, जो बॉल है तुम्हारे लिए नहीं है। ग्रैंडपा गेव मी अनदर बॉल फॉर डोना, अब देखिए ग्रैंडपा, उसके ग्रैंडपा ने क्या किया, ग्रैंडपा गेव मी, ग्रैंडपा ने मुझे दिया, वो जो बॉय है कह रहा है ग्रैंडपा ने मुझे दिया, क्या दिया, अनदर बॉल, एक दूसरा बॉल दिया, फॉर डोना, डोना के लिए ग्रैंडपा ने मुझे एक दूसरा बॉल दिया। सबको आया समझ में? Yes ma'am. Yes ma'am. डोना लव्ड टू प्ले विद इट, डोना जो है इस बाल के साथ खेल कर बहुत ही खुश है, उसे बाल के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। सी आल्सो लव्स टू प्ले विद ग्रैंडपा, उसे ग्रैंडपा के साथ भी खेलना अच्छा लगता है। आई लव वॉचिंग देम प्ले, आई लव, मुझे अच्छा लगता है क्या, उन दोनों को खेलते हुए देखना, डोना को और ग्रैंडपा को एक साथ खेलते हुए देखना मुझे अच्छा लगता है। ओके अभी जब मैंने इस पैराग्राफ को रीड किया, अब इस पैराग्राफ में आपको नाउन प्रोनाउन वर्ड्स को ढूंढना है और सर्कल करना है कि प्रोनाउन वर्ड्स कौन कौन से हैं। ओके मैम एक्सक्यूज मी मैम, सिर्फ प्रोनाउन वर्ड्स को, ओनली प्रोनाउन वर्ड, यहाँ पे प्रोनाउन वर्ड्स राइट किया गया कि, और प्रोनाउन वर्ड को आपको ढूंढना है, जितने भी सेंटेंस यहाँ पे राइट हैं इन सभी सेंटेंस में आपको प्रोनाउन वर्ड ढूंढ कर सर्कल करना है। तो पहले आप लोग सर्कल करिए अपने बुक में, फिर वन बाय वन बताइए आपने क्या सर्कल किया। पहले आप सभी अपने बुक में सर्कल करिए प्रोनाउन वर्ड ढूंढ कर जल्दी से। आपके पास बुक है ना? यस मैम। अपने बुक में सर्कल करिए, सर्कल करने के बाद अपना हैंड शो करना, इसका कंप्लीट हो गया होगा, फिर हम पूछते हैं आपने क्या सर्कल किया। एक साथ बोलना है कि अपना हैंड शो करना जाएगा। क्या बेटा बोलिए, अरुण का वीडियो ही नहीं ऑन होता, अरुण और आनंद धर इन लोगों का वीडियो ऑफ ही रहता हमेशा। यस वेदांचली बताइए अपने सर्कल क्या किया इसमें। मैम असो मैम इट सी मैम हां आए मम्मी मम्मी इट देम आए। ओके गुड, चलिए बताइए अनुष्का आपने क्या सर्कल किया। मैम माय अस आवर इट सी हर आई आई हर यू मी इट सी आई देम। ओके गुड, सुमित यू टेल, सुमित ऑन द माइक, सुमित माइक ऑन करिए बेटा। चलिए बताइए हम प्रोनाउन क्या क्या है। यस मैम,
मैम बोलिए मैम, हम बताएं। नहीं बेटा, साक्षी यू टेल। मैम बेटा, साक्षी माइक ऑन करिए बेटा, फिर आप बताइए। मैम आई अस मैम इट मैम हार मैम आई देम मैम सी। ओके चलिए रौनक, रौनक से माइक ऑन करिए बेटा, आप बताइए। रौनक से माइक ऑन करिए। मैम बताएं। नो बेटा, सभी को चांस मिलना चाहिए ना बोलने का। हम बताएं। रौनक सिंह बेटा, आवाज जा रही है आपको? रौनक गायब है, उनको आवाज नहीं जा रही है, वीडियो ऑफ की है। अमन गुप्ता यू टेल, इनको भी आवाज नहीं जा रही है। रौनक बेटा आप कहाँ चले गए थे वीडियो ऑफ करके? वीडियो ऑफ नहीं करना है, पढ़ाई करने के बाद ही वीडियो ऑफ करना है। बेटा ये हर्षित, चलिए आप बताइए। हर्षित ओके। सृष्टि यू टेल, सृष्टि बेटा माइक ऑन करिए। मैम आई मैम मैम यू मैम देम मैम माय मैम आदित्य, याद करो वीडियो ऑन करिए। आदित्य ऑन द वीडियो। मैम इट मैम सी। वीडियो क्यों ऑफ कर लेते हो? ओके अध्याय यू टेल। मैं अस अस इट सी हर आई इज मी आई देम इट माय अस then our or after it it after see यहाँ पे देखते हैं her I फिर हर यहाँ पर right दोबारा से हर को सर्कल करेंगे। यू यू आखर मी मी के बाद यहां पर है इट सी सी आफ्टर आई them किन छूट रहा है बीच में? किन के बीच में छूट रहा है? अनुष्का किन देखिए बीच में कहीं छूटा है प्रोनाउन जो सर्कल ना हुआ हो? अनन्या यू टेल आप बताइए। मैम नहीं छूटा है। ओके सब सही सर्कल किया गया, कहीं रॉन्ग तो नहीं है? नो मैम। ओके चलिए आगे देखते हैं, सेकंड जंप एक्सरसाइज क्या है। इसे कंप्लीट कर लेना बुक में, ठीक है? सेकंड देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। अब ब्लैंक्स को फिल करना है, यहाँ पर ब्लैंक्स को फिल करना है विद द कर प्रोनाउंस। यहाँ पे प्रोनाउन दिए हुए हैं ब्रैकेट में, इसमें कौन सा प्रोनाउन हम इसमें यूज कर सकते हैं, किसको हम फिल कर सकते हैं, कौन सा प्रोनाउन फिल करना सही होगा इसमें सेंटेंस में। अब आपको देखना है उसको फिल करना है, ठीक है?
चलिए देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस क्या है. He sits next to in the class. यहाँ पे क्या फिल करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है मी आई. अब यहाँ पे क्या फिल करेंगे हम, ही सिट्स नेक्स्ट टू इन द क्लास मी मैमी मी ओके मैमी यस मैम. आने हम मी फिल करेंगे, ही सिट हुआ बैठी नेक्स्ट टू मी इन द क्लास, क्लास में मेरे बगल में बैठी है, क्लास में मेरे बगल में बैठी है. वाह वाह वाह, जो है क्लास में मेरे बगल में बैठा हुआ है. आगे देखते हैं, सी विल कम विथ, वह आ रही है. सी विल कम विथ, वह मेरे साथ आ रही है. टू अस द मूवी, मूवी देखने के लिए मेरे साथ आ रही है, हमारे साथ आ रही है. अब यहाँ पे देखिए, याद से देखना कि टेलिंग पास्ट में एंड नेमिंग पास्ट को अलग करके यहाँ फिल करना. अगर नेमिंग पास्ट में होता तो आप बी फिल करते, यहाँ पे टेलिंग पास्ट में फिल करना है आपको. तो बी के प्लेस में क्या फिल करेंगे टेलिंग पार्ट में, अस फिल करेंगे. वह हमारे साथ आ रही है मूवी देखने के लिए, यहाँ पे अस फिल करना है. ओके, क्योंकि टेलिंग पार्ट है, टेलिंग पार्ट में हम अस फिल करेंगे बी नहीं. नेमिंग पार्ट में बी फिल करेंगे, टेलिंग पार्ट में अस फिल करेंगे. आगे, माय टीचर इज मिस निशा शर्मा. आई लाइक वेरी मच, आई लाइक क्या होगा मैम, सी सी आई लाइक सी वेरी मच. सी कैसे होगा मैम, हार हार होगा, क्योंकि टेलिंग पार्ट के बारे में बात किया जा रहा है इसमें. वह मुझे बहुत अच्छी लगती, जो मेरी टीचर है मिस निशा, मुझे अच्छी लगती है बहुत. यहाँ पे होगा आई लाइक, आई लाइक मैं उसे, मैं उन्हें पसंद करती हूँ. आई लाइक हर वेरी मच, मैं उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ. आई नो, वन मिनट क्लियर नहीं हो रहा पीडीएफ में कुछ. आई नो एंड हिज ब्रदर सिंस चाइल्डहुड. बोले क्या फील करेंगे आप, मैं उसे और उसके भाई को बचपन से ही जानता हूँ. मैम ही फील करेंगे. चलिए आप बताइए आदित्य यादव क्या फील करेंगे यहाँ पे, ही या हिम क्या फील करेंगे. फील करेंगे ओके. अनुष्का यू मैम, मेरी वाली क्या फील करेंगे. मैम हिम फील करेंगे. आई नो, मैं उन्हें जानता हूं. मेरी वाली क्या फील करेंगे. हिम एंड हिज भाई को क्या फील करेंगे. राइट ना, बी में हम फील करेंगे अस, यू एस अस, इसका मीन होगा आई नो, मैं जानता हूं him, उसे एंड हिज ब्रदर उसके भाई को, सिंस चाइल्डहुड बचपन से ही उन्हें जानता हूँ. मैम सी वाले में क्या फील करेंगे. अभी तो क्या बताया जा रहा है, सी वाले में क्या सुन नहीं रहे हो क्या. him फील करना है, him वो बातें करती है, सुनती नहीं ध्यान से. सी में बोल रहे हैं यहाँ पे फील करना है, सी में फील करना है हर. There is a table in my room. Keep the book on. Ma'am, eat. Ma'am, eat. Eat, yes. Ma'am. There is a table in my room. मेरे रूम में एक टेबल है. Keep the book. बुक वहां पे रखो उस टेबल के ऊपर. यहाँ पे फिल करेंगे eat. Next देखते हैं. Third. आपको फर्स्ट एंड सेकंड अभी करके सेंड करना है, ठीक है. थर्ड एंड फोर्थ आप कल कंप्लीट करना, आज नहीं. ओके, ये अब कल का होमवर्क रहेगा. थर्ड एंड फोर्थ एक्सरसाइज देखिए इसमें क्या करना है. फिल इन द ब्लैंक्स टेबल प्रोनाउन. बेटा कौन है ये,
We are going to the cinema. Would you like to join? यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? चलिए बताइए सुभांगी. Yes, ma'am. बोलो मैम. आज आज मैम और मैम क्या सर उसका बेटा बोलिए. मैम आज होगा. आज ओके. आराध्या यू टेल. मैम आज आज वी आर गोइंग टू द सिनेमा. अब यहाँ पे देखिए नेमिंग पार्ट्स है. यहाँ पे बी मीन्स हम. यहाँ पे सभी का नेम ना राइट करके यहाँ बी राइट किया गया है जो कि नेमिंग पार्ट्स है सेंटेंस का. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस. क्या तुम भी हम लोगों को ज्वाइन करोगी करना चाहोगी? तो यहाँ पे आपको अस फिल करना है. मीन्स हम लोगों को ज्वाइन करना चाहोगी क्योंकि हम लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं. क्या तुम हम लोगों को ज्वाइन करना चाहोगे? जो भी यहाँ पे गर्ल बॉय जो भी रहा हो. यहाँ पे इसका नेम तो लिखा ही नहीं है तो यहाँ पे आपको फिल करना अस. ओके यस मैम. आगे देखते हैं. देयर आर माय पेंसिल. देयर आर माय पेंसिल्स कान बारो. यहाँ आपको फिल करना है. यहाँ फिर यहाँ भी दोनों फिल करना है. तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? फर्स्ट में मैम यू पीटर. मैम यू देयर आर माय पेंसिल. दीज आर माय पेंसिल. ये मेरी पेंसिल है. सभी जो है मेरी पेंसिल है. मैम ईट. ओके कांट बारो. मैम देम. You can't यहाँ पे you cannot वो can't होगा शॉर्ट में. You can't borrow them. यहाँ पे आप फिल करोगे you यहाँ पे them. Yes ma'am. Cherry is at school. Can't come with. Ma'am see. यस सी राइट करिए क्योंकि चेरी की प्लेस पे हम सी राइट करेंगे क्योंकि चेरी जो है गर्ल का नेम है. तो यहाँ पे हम सी राइट करेंगे. सी कैन नॉट कम विथ. नहीं आ सकती मेरे साथ. हमारे साथ नहीं आ सकती. तो यहाँ पे अस राइट करेंगे. चेरी एट स्कूल. चेरी जो स्कूल में है. सी कैन नॉट कम विथ मी. कम विथ अस. हमारे साथ नहीं आ सकती. ओके अब डी देखते हैं. द कैट इज अंडर द चेयर. द कैट इज अंडर द चेयर. फिल करेंगे मैम वी. मैम वी. मैम वी. कैन वी सीट. वैसे आप आगे फिल करना. इसको हम रीड करते हैं क्योंकि यहाँ पे एक स्टोरी है. इसको मैं यहाँ पे रीड करेंगे. टाइम ओवर होने वाला है इसलिए इसको हम यहाँ पे रीड करवा देते हैं. आप लोग इसे फिल करना बाद में. तो यहाँ पे देखते हैं. बिकी हैज गॉट अ न्यू पेट. बिकी हैज गॉट अ न्यू पेट. बिकी जो है एक नया पेट लेके आया है. इट वांट्स टू टॉक टू यू. वह उसके बारे में आपसे बताना चाहता है. कैन यू फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउंस एंड देन गेस द नेम ऑफ द एनिमल. आप क्या आप उस प्रोनाउन को फिल कर सकते हो जो सही प्रोनाउन यहाँ पे फिल करना है आपको और फिर उसको आपका नेम गेस करना है कि कौन सा एनिमल उस लेके आया है पेट के रूप में. आप पैराग्राफ रीड करोगे. रीड करने के बाद आपको उसका नेम पता चलेगा कि कौन सा एनिमल यहाँ पे वो लेके आया है. हेलो माय नेम इज पिकल्स. पिकल्स भी होता है कांटेदार. ओके उस जो एनिमल है उसमें वो काटे हैं उसकी बॉडी पे काटे हैं इसलिए उसका नेम क्या है? प्रिकल्स. बी केयरफुल. सावधान रहो. व्हेन यू टच. जब मुझे टच करो तुम लोग सावधान रहो. तो यहाँ पे हम क्या फील करेंगे? व्हेन यू टच मी. जब तुम मुझे टच करते हो तो उसमें आप लोगों को सावधान होना पड़ेगा. आई हैव पॉइंटेड स्पाइक्स एट ओवर. मेरे पूरे शरीर के ऊपर नुकीले काटे हैं. मैम आई कैन हर्ट
मैं नुकसान पहुंचा सकते हैं। I can hurt. If यहाँ पे you not careful, are not careful, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूँ, तुम सावधान नहीं होगे तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूँ। यहाँ पे I feel करना है, I can hurt if you can not, you are not careful, तुम सावधान नहीं रहोगे। मैम कहाँ पर I feel करना है? I can hurt, मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूँ। I can hurt if you are not careful, अगर तुम सावधान नहीं रहोगे तो मैं तुम्हें कष्ट पहुंचा सकता हूँ। Vicky got me as a pet because Vicky got me, Vicky ने मुझे खरीदा है as a pet के रूप में, because क्योंकि यहाँ क्या क्या करेंगे? विकी मुझे खरीद कर लेके आया है क्योंकि वह सोचता है कि मैं बहुत ही सुंदर हूँ। विकी वाज सरप्राइज्ड, विकी के मॉम जो है सरप्राइज में पड़ गई, आश्चर्य में पड़ गई। कब? व्हेन, यहाँ पे विकी की मदर के प्लेस पे क्या यूज करेंगे? कवर हो रहा है, आप सभी इसको रीड करना पूरा पैसेज और इसको फिल करना, ठीक है? ये आपका कल का वर्क रहेगा, इसको और थर्ड क्वेश्चन आपको कल कंप्लीट करना है। आज आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सेंड करना है, थर्ड एंड फोर्थ कल का वर्क है। ओके ओके, गुड बाय मैम, गुड बाय मैम, गुड बाय बेटा मैम, गुड बाय मैम, गुड बाय।